अभिनंदन करता हूं, उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता और नॉर्थ ईस्ट टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि लास्ट मैं वहां पे था, वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, आपका भी अभिनंदन करता हूं। ये ग्राउंड भी बहुत बेहतर है, मुझे लगता है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स इन इंडिया। और यहाँ पे अच्छी बड़ी बड़ी मैचेस भी हो सकती है। मैंने इनको ये कहा अंडर 14 अंडर 16 से शुरू करो, अंडर 19 को खिलाओ और फिर रणजी ट्रॉफी भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं। पटना में मैं 1972 में आया था, आपको पता नहीं है, बहुत सारे आप तभी नहीं होंगे जी। मैं यहाँ पे कूच बिहार ट्रॉफी इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड पे मैं खेला, और जब मुझे पता चला कि यहाँ पे अरे आने के लिए दो दिन लगते हैं बम्बई से, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई तू बहुत बच्चा है, 13 साल का है, तू मत जा, इतने दूर नहीं जा सके तू, क्योंकि एक हाथ में बेडिंग, एक हाथ में किट बैग, बीच में सूटकेस लेके, अनरिजर्व्ड सेकंड क्लास कंपार्टमेंट से हमारे बम्बई की टीम यहाँ पे आई थी, और बैटिंग विकेट पे मैच था, मुझे याद है, अगेंस्ट दिल्ली स्कूल, और मैंने 170 रन बनाए थे यहाँ पे, और मेरा क्रिकेट बम्बई से नहीं पटना से शुरू हुआ। उसके बाद मैं अफकोर्स बॉम्बे स्कूल का कप्तान था, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी का कप्तान था, इंडियन वर्सिटी का कप्तान था, और जब मैं बॉम्बे टीम में आया 18 साल की उम्र में, तो हमारी टीम बहुत ही अच्छी थी, अशोक मंकड़ कप्तान थे, सुनील गावस्कर थे, एकनाथ सोलकर थे, करसन घावरी थे, बहुत बड़ी टीम थी, तो मुझे लगा कि मुझे चांस मिलेगा, लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि आप स्कोरिंग करो, तो तभी स्कोरर वगैरह नहीं थे, तो ऐसे 14th मैन होता था, उसको स्कोर बुक पकड़ा के दे देते कि आप जाओ स्कोरिंग करो, तो मैं बहुत नाराज हो गया था कि बहुत एटलीस्ट 4-5 मैचेस हो गए और मैं स्कोरिंग कर रहा था, और स्कोरिंग इतनी बोरिंग होती है, मुझे पता नहीं था कि अशोक मंगल 200 नॉट आउट, गावस्कर 180 नॉट आउट, बॉम्बे 600 पे 3, मैं अपना स्कोरिंग करते रहे। तभी सुनील गावस्कर अशोक मंगल मेरे पास आए, उन्होंने देखा कि मैं नाराज हूँ, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने भी पहले स्कोरिंग की है, एंड नाउ वी आर प्लेइंग फॉर इंडिया, सो डोंट वरी, यू माइट प्ले फॉर इंडिया ऑल्सो। और नेक्स्ट ईयर हमारी मैच थी, इट वॉज ईरानी कप मैच इन नागपुर, तो मुझे चांस मिल गया, क्योंकि एकनाथ सोलकर इंजर्ड हो गया ऑन द ईव ऑफ द मैच, तो मुझे चांस मिल गया टीम में, और सामने बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना वगैरह सब बड़े बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन बम्बई में हमको एक एडवांटेज है, इसी स्कूल क्रिकेट यूज टू प्लेइंग विद टेस्ट मैच क्रिकेटर्स, तो हम लोग कभी ओवरऑल हुए नहीं, हमारे जुनून था कि जब चांस मिलता है तभी 100 करने का ही, यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आप सब सुनते हैं, मैं यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यू नो, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया हैड स्कोर 210 रन, अदर टर्निंग विकेट पे था मैच, और हम लोग 60 पे 3 विकेट थी, सुनील गावस्कर, रामनाथ पारकर, अरे सुधीर नायक आउट हो गए थे, अशोक मंगल बैटिंग कर रहे थे, तो मैं जब बैटिंग को आया, इन 2 आवर्स आई स्कोर्ड 110 एंड अशोक मंगल स्कोर ओनली 2 रन। तभी लाला अमरनाथ को डूइंग कॉमेंट्री, लाला अमरनाथ तभी एक्सपर्ट है ऑल इंडिया रेडियो पे, तो उनको पूछा कि आपको ये बच्चे के बारे में क्या लगता है, ही सेड ही बेस्ट लाइक कर्नल नायडू। उसके बाद एक कर्नल मेरे नाम पे चिपक गया था, अभी भी लोग पूछते हैं कि बाबा मिलिट्री में कब थे, मैं मिलिट्री का कलर नहीं हूँ। उसके बाद बिहार में काफी बार आया, उसके बाद बिहार के अगेंस्ट खिलाफ खाली बहुत साल खेला, हम लोग भी ट्रेन से प्रवास करते थे, तभी आपको पैसे नहीं थे बीसीसीआई के पास और मुंबई क्रिकेट के पास, तभी हम लोग ट्रेन से जाते थे, सब हमारे एकनाथ सोलकर, गावस्कर, मंकड़ सब लोग हम लोग ट्रेन में आए थे, और जैसे एक्चुअली ट्रेन बिहार तक आई 2 दिन के बाद, तो रात हो चुकी थी,
तो लोग पटरी पे आ गए, बोले सबको बाहर निकालो। और हम लोग सो रहे थे तो हमारे मैनेजर साहब डर गए, क्या हुआ? तो इंजन ड्राइवर बिचारा आया था कि सबको हाथ करो फिर गाड़ी जाएगी। हम लोग सब लोग उठ के आए, देखा सब लोग कितने खड़े हैं, रात को 2 बजे हाथ किया फिर हमारी गाड़ी गई आगे। उसके बाद 10 माइल के बाद वापस रुक गई, वापस वो इंजन ड्राइवर आया। तो हमको लगा कि बिहार का कुछ प्लानिंग होगा, बॉम्बे को कैसे हराना चाहिए, उनको सोने नहीं देना। लेकिन वो मैच पे मैंने 200 रन बनाए थे, मुझे याद है। बिहारी में अच्छे दोस्त है। और उसके बाद जब बिहार टीम हमारे मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम पे भी मैं 100 किए थे, और फिर जब जब मैं किन्नर स्टेडियम पे खेला अगेंस्ट ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन, मैंने हमेशा रन बनाए। मैं आपको एक कहना बात करना चाहता हूँ कि मेहनत ही करो, उसके लिए विकल्प नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क इन क्रिकेट। और ये 22 यार्ड जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, और आप नहीं करेंगे तो आपको कोई टीम में नहीं ले सकता। मैं आपको एक ये बात कहना चाहता हूँ, आदित्य वर्मा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, एमपी वर्मा के नाम से उन्होंने टूर्नामेंट शुरू किया है, एंड इज अ 6th ईयर ऑफ द टूर्नामेंट, और अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है यहाँ पे। आई होप दिस टूर्नामेंट गोज फॉरवर्ड मेनी मेनी इयर्स टू कम, क्योंकि यहाँ से भी प्लेयर्स ऊपर करा सकते हैं। इन ओल्डन डेज में ऐसे बोलते थे कि हजारे विजय मर्चेंट के बाद कौन, तो सुनील गावस्कर साहब आ गए। सुनील गावस्कर साहब 20 साल खेले, लोग बोलते थे उनके बाद कौन, तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर आ गए। सचिन तेंदुलकर 25 साल खेले, लोग बोलने लगे उनके बाद कौन, तो विराट कोहली आ गया। विराट कोहली के बाद यहां से भी प्लेयर आ सकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे आपने बुलाया, बहुत खुशी हुई। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।